कार्रवाई करने पर कोई अप्रिय घटना घट जाएगा तो पुलिस वाले ही बदनाम होंगे। इसलिए जो भाग रहा भागने दीजिए, उसको कितना पीछा करेंगे हम लोग, उतना तो उपलब्ध है नहीं हमारे पास संसाधन की, वो दो चक्का को हम खदेड़ेंगे, कोई घटना घट जाएगा तो बदनामी हमारी। राजधानी पटना की सड़कों पर निकल रहे हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि पटना में हो रहा है जबरदस्त चेकिंग। चेकिंग के दौरान अगर किसी की गाड़ी में शराब या फिर आम से जुड़े सामान मिलते हैं तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और हम इस वक्त भगवान बिरसा मुंडा चौक पर मौजूद हैं और देखिए कि किस तरह से जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है यहाँ पर। राजधानी पटना में तीन जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, एक भगवान बिरसा मुंडा चौक के पास, एक आर ब्लॉक और तीसरा जो है वो चिड़ियाखाना के पास। देखिए कि किस तरह से लोगों को रोक करके जांच प्रक्रिया जो है वो जारी की गई है। जितने भी बाइक आ रहे, देखिए कुछ बाइक वाले सवार ऐसे भी हैं कि बीच रास्ते से ही चेकिंग के डर से रास्ते भाग जा रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं कुछ ऐसे भी जो रुक कर अपने बाइक का वाहन का चेकिंग करवा रहे हैं। और चूँकि सुरक्षा के मद्देनज़र देखते हुए जबरदस्त चेकिंग कराया जा रहा है, अभी तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि चाहे वो बैग की चेकिंग हो या डिक्की की चेकिंग हो, चेकिंग हर तरीके से किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह का कोई गैर कानूनी सामान ना मिले, कोई आपत्तिजनक सामान ना मिले। उन सारी चीज़ों का खासा एहतियात बरते हुए पटना पुलिस की जो तत्परता वो साफ तौर पर देखी जा रही है। और देखिए आप तस्वीरों में किस तरह से जो है किसी तरह का जो गैर कानूनी सामान बरामद करने की नीयत से, ताकि किसी तरह का कोई घटना घटे, उस चीज़ को लेकर के पहले ही एहतियात बढ़ती जा रही है। और ये अच्छी पहल पटना पुलिस की मानी जाएगी। कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं मैम, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, ये होना भी चाहिए। लोग जितने अभी खराबे हैं, ये होना ज़रूरी है। तो देखिए कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष वर्ग की ही चेकिंग हो रहा है, महिलाएँ जो हैं उन लोगों का भी। ये आपको पटना पुलिस की कैसी तत्परता दिखाई दे रही है, कैसा लग रहा है ये काम? इसको चलने दीजिए एग्जाम। अच्छा है, चेकिंग वेकिंग हो रहा है। तो देखिए कि जो चेकिंग अभियान जो चलाया जा रहा है पुलिस की ओर से, वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और एक एक कर चाहे वो बाइक सवार हो, स्कूटी सवार महिलाएं हो, लेकिन कुछ ऐसे भी आप देखिए कि एक कानून के नज़र से भी भागते हुए कुछ लोग नज़र आते हैं। चूँकि कहीं ऐसी कोई परिस्थिति में अगर पुलिस पकड़ लेती है तो किसी तरह की का जुर्माना या कार्रवाई ना हो जाए, इसको लेकर के बीच रास्ते से लोग रास्ते पलट ले रहे हैं। लेकिन अब देखिए कि जो लगातार सघन चेकिंग अभियान चल रही है पुलिस की ओर से, और वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही है। और सुरक्षा के मद्देनज़र इन सारी गतिविधियों पर खासा ख्याल रखते हुए पटना पुलिस और एक एक चीज़ का खासा ख्याल रख रही है। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मैम आप लोग के कार्यकुशलता को देखते हुए लोग काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं। और मैम ये आप लोग का जो एक अच्छी पहल मानी जाती है, आप लोग चेकिंग अभियान चलाया है, तो क्या कुछ अभी तक में बरामदगी हुई है या फिर? बरामद होगा तो थाना लेके जाएंगे, सीजर बनाएंगे, बता दिया जाएगा। अच्छा, और जैसे कि कुछ लोगों को हम जैसे देख रहे हैं कि आप लोग जो चेकिंग अभियान चला रहे हैं, तो कुछ लोग रुक भी जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बीच रास्ते से चले जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कोई कार्रवाई है? बीजी रोड है, कागज पत्र उसके पास नहीं होगा, इसलिए उसको पकड़ने का कोशिश भी करते हैं। बीजी रोड में दिक्कत हो रहा है हम लोगों को भी करने में, मेन बात सर। जैसे कि हम देख आप लोग के चेकिंग अभियान के दौरान देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आप लोग पे जैसे चेकिंग के दौरान जो नज़र पड़ रहा है तो बीच रास्ते से ही इस बाइक को मोड़ ले रहे हैं, तो इस दौरान क्या कोई और आप लोग का स्टेप रहता है? सख्ती से कार्रवाई करने पर कोई अप्रिय घटना घट जाएगा तो पुलिस वाले ही बदनाम होंगे। इसलिए जो भाग रहा भागने दीजिए, उसको कितना पीछा करेंगे हम लोग, उतना तो उपलब्ध है नहीं हमारे पास संसाधन की, वो दो चक्का को हम खदेड़ेंगे, कोई घटना घट जाएगा तो बदनामी हमारी। जैसे आपने कहा कि इतना कोई संसाधन नहीं कि उसका पीछा कर सके, लेकिन ऐसा माना जाए कि जैसे आप लोग शराब हो या आम से रिलेटेड सामान को देख रहे हैं, लेकिन बाई दी बे अगर वो लोग अपने हड़बड़ा के गिर जाएंगे, अगर गलत कुछ रहेगा वो भागते जो है, जिसको कागज पत्र हेलमेट नहीं रहता वो भागता है, शराब वाले भागेंगे तो हड़बड़ा के पुलिस को देख के गिरेंगे ही। तो आप देखिए कि किस तरह से जो
कार्य कुशलता है पटना पुलिस की वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वाहन चेकिंग अभियान और सघन चेकिंग अभियान चल रहा है जिसमें किसी तरह की अप्रिय सामान न मिले और उसको लेकर के लगातार अपने कार्य को पर तत्पर हैं और कई लोग इस चीज़ की जो है तारीफ भी कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पे जो बाइक सवार हैं स्कूटी सवार महिलाएं भी मिल रही है तो वो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल ना उठा करके तारीफ ही कर रही है। फिलहाल इतना ही, बने रहिए कसे सिंह के साथ पटना संकेत सिंह की रिपोर्ट।